नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो हमने हाउस बनाने वाले थे हम, जिसके लिए हमने बैकग्राउंड किया था। मैंने आपको उसको ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करके रखने के लिए कहा था, और फिर कलरिंग करेंगे और फिर उसमें हाउस चिपकाएंगे। तो आज मैं आपको पेपर का हाउस बनाना सिखाऊंगी, और उसके अगली कक्षा में हम कलरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक स्क्वायर साइज़ का पेपर चाहिए। अगर आपके पास क्राफ्ट पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, देखिए ये एक स्क्वायर साइज़ का पेपर है। आपको फर्स्ट एक रेक्टेंगल बनाना है, मतलब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिए। देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर अच्छे से मिलाइए, ताकि आपको आगे डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, और इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए हाथों से अपने। डन, अब इसे ओपन कीजिए। अब दूसरे साइड पे भी वैसा ही कीजिए, कॉर्नर टू कॉर्नर। देखिए तो अभी जब इसे आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे फोर दिखेंगे स्क्वायर्स, 1 2 3 4, और एक बीच का पॉइंट है जो सभी इसको एक साथ डिवाइड कर रहा है। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो हमने लाइन खींची है, तो देखिए इस कॉर्नर को, ये जो बीच की लाइन आई है ना हमारी, वहाँ तक लाओगे। ठीक है, देखिए ये बीच की लाइन तक, और इसे भी वैसे ही करना है। ठीक, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अगेन अब हमको क्या करना है, बैक साइड इसको फिर से, जो बीच की लाइन दिख रही है, देखिए यहाँ पे एक बीच की लाइन दिख रही है, इसको यहाँ तक, फिर इसको भी यहाँ पे हाफ ले जाना है, एंड प्रेस इट, प्रेस कीजिए अच्छे से। फिर सेम उसी तरह से इधर साइड भी, देखिए एक छोटा स्क्वायर बन गया है। मैं फिर से आपको एक बार फोल्डिंग खोल के दिखा रही हूँ बच्चों। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लिया था, एक क्राफ्ट पेपर, फिर क्या किया था, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया था। फिर अगर आप इसी को करना चाहते हो तो इसी को भी कर सकते हो, देखिए ये, और एक उसे अच्छे से प्रेस कीजिए, तो इसके फोर स्क्वायर्स बन जाएंगे। डन, अब ये जो ये बीच से डिवाइड हो गया है, इसको क्या करना है, यहाँ से हाफ इधर से ले जाइए, और यहाँ से एक इधर से, एक अलमारी जैसे कैसे होता है ना, वैसा बन जाएगा। देखिए अब जब ये बन गया, उसको टर्न कीजिए। यहाँ पे भी आपको एक बीच में लाइन दिख रही होंगी डिवाइडेशन की। अब इसको क्या करना है, उल्टा फोल्ड करना है, मतलब जहाँ से ये दो भाग वाला है ना, इसको उल्टा करके यहाँ से भी हाफ में कर दीजिए, और इसे यहाँ से भी हाफ में कर दीजिए। देखिए बच्चों ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। अब एक साइड देखिए जो पूरा प्लेन है, यहाँ से सिर्फ बीच से दिख रहा है, यहाँ पे बाकी कहीं नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर से ऐसा खुल रहा है, तो इसे ऊपर रखिएगा। जैसे आप क्या बोलते हो उसको, इंकी इंकी पोंकी ऐसा कुछ बोलते हो ना, वैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है बच्चों, ये वाले इसको ऐसे इसे बाहर ले जाओगे तो आपको एक ट्रायंगल जैसा बनता दिखेगा। कैसे करना है आपको, ये जो बाहर ये वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर को पकड़ना है और ऐसा बाहर की तरफ लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक ट्रायंगल। अब वैसे ही सेम इधर से भी कीजिए, इधर का ही पकड़िए और इसे बाहर की तरह तरह ओपन कर दीजिए, तो ये एक और एक ट्राइंगल बनेगा आपका। क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमको, मैं फिर से आपको एक बार खोलना दिखा रही हूँ। देखिए एक साइड से ये ऐसा खुलेगा, फोर साइड्स खुलेंगे एक साइड से, और एक साइड से ये सिर्फ मिडल का पार्ट खुलेगा। तो जो मिडल का पार्ट खुल रहा है उसको हम नीचे रखेंगे, और जो फोर साइड्स खोल रहे हैं उसको हम ऐसे एक बीच के कॉर्नर को पकड़ के इधर करेंगे, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इधर करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसे आप टर्न कर दीजिए। देखिए ये हमारा हाउस तो बन गया है, पर अब इसमें हमें विंडो डोर भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्केच पेन लीजिए और यहाँ पे कैसा डोर बना दीजिए। विंडो बनाना है, आप विंडो बना सकते हो। यहाँ पे भी विंडो बना दीजिए।
अगर अब आपको ऊपर बनाना है तो ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट सीधी सीधी लाइन कर सकते हो ऐसे ऐसे। देखिए बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये क्या बन गया, हमारा हाउस बन गया। ये पीछे से ऐसा है, इसे स्टिक करना है सामने से। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपने इसकी बैकग्राउंड की ड्राइंग बनाई है उस पेज को खोलोगे और उसके अंदर इसे दबा के रख दोगे, ताकि जब हम कलरिंग करेंगे तब वो आपको वैसे कि उसी जगह पे मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम अगली कक्षा में इसका कलरिंग करेंगे बच्चों। थैंक यू।